छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में महिला स्व सहायता समूहों ने 257 से अधिक याचिकाएं दायर कर रखी हैं, जिसमें 24 मार्च 2022 को सुनवाई हुई थी, जहां सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जनहित याचिकाओं सहित रिट याचिकाओं में अगली सुनवाई 28 और 29 मार्च को तय किया है। इस दिन विभिन्न याचिकाकर्ताओं के तरफ से और शासन और बीज निगम के तरफ से बहस की जानी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किसी के भी पक्ष में अब तक आदेश जारी नहीं किया गया है। आरोप है कि मनमानी तरीके से बीज निगम द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को 24 मार्च 2020 को संशोधित निर्देश रेडी टू ईट के वितरण के लिए जारी कर दिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2022 के आदेश में नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होना जारी किया गया था, तथा यह भी कहा गया था कि जब तक कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में कोई निर्देश जारी नहीं हो जाता, तब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। परंतु बीज निगम के द्वारा मनमाने तरीके से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के बिना नई व्यवस्था के संबंध में 24 मार्च 2022 को आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति RCS सामंत जी के समक्ष प्रस्तुत करने की जानकारी अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे जी द्वारा दी गई है। देखिए, इनका रेडी टू ईट के मैटर में ये बीज निगम ने अभी जो 24/3 और 20/22 को एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें इन्होंने बीज निगम के द्वारा कैसे रेडी टू ईट का वितरण किया जाएगा और महिला स्व सहायता समूह की क्या सहभागिता होगी, ये ऑर्डर जो है जारी किया 24/3 को, ठीक है। और एक अगला ऑर्डर जारी किया है 23/3 को एग्रीमेंट महिला स्व सहायता समूह से एग्रीमेंट बनाने का। मैं आप ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो 22 तारीख को हाईकोर्ट में बहस हुई है, भाई बहस पेंडिंग है, अगली बहस जो है 28 और 29 को होने वाली है। और देखिए, पिछला ऑर्डर मैं पढ़ के बताता हूँ। पिछला ऑर्डर जो इन्होंने अपना जारी किया था छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, जिसकी कंडिका 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के वर्तमान में विचाराधीन समस्त याचिकाओं के समय समय पर जारी दिशा निर्देश पर अत्याधीन रहेगा। तो मैं एक चीज़ जानकारी में बताना चाहता हूँ कि अभी हाईकोर्ट से कोई भी आदेश बीज निगम के लिए जारी नहीं हुआ है, और ये जो ऑर्डर जारी हुआ है 23 तारीख का, ये 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्रीमान RC सामंत के समक्ष रखा जाएगा कि सर, जब हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, तो स्व सहायता समूह को ये ऑर्डर बीज निगम कैसे कर रही है, और ये ऑर्डर जो बीज निगम कर रही है अब हाईकोर्ट से, इनको अभी हाईकोर्ट से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई ऑर्डर हुआ है, ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। और ये अपने ही ऑर्डर का वायलेशन कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही लिखा था कि जो 1 अप्रैल 2022 को से बीज निगम का वितरण का कार्य होना है, वो उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान विचाराधीन समस्त याचिकाओं में समय पर जारी निर्देश के अत्याधीन होगा। तो मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है। 22 तारीख को पिटिशनर की बहस हुई है और 28 और 29 को महाधिवक्ता और बीज निगम की बहस होना है। हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, ये जानकारी देना चाहता हूँ।